नई वीडियो में और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम के बारे में। प्रोडक्ट डबल कार्डबोर्ड बॉक्स में डार्क ग्लास ड्रॉपर बॉटल में आता है। अपेरेंस में ये ट्रांसपेरेंट है, स्लाइटली थिक लिक्विड फॉर्म में, इजिली स्प्रेडेबल है एंड कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आता है इस प्रोडक्ट का। फीचर्स की बात करूं तो प्रोडक्ट इज फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन, पाराबेन, सल्फेट, डाइज एंड एसेंशियल ऑयल फ्री, वीगन और क्रुएल्टी फ्री। के बारे में आई हैव नो आइडिया क्योंकि ना तो बॉक्स पे कुछ मेंशन था और ना ही इनकी वेबसाइट पर कुछ मेंशन है। बस क्रिएटर्स या रिव्यूअर्स के मुंह से ही मैंने सुना है कि ये प्रोडक्ट जो है या ब्रांड जो है वो क्रुएल्टी फ्री है, बट इस चीज के बारे में ब्रांड्स ने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। प्रोडक्ट पीलिंग सॉल्यूशन है बट प्रोडक्ट में काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जैसे कैटेकिन, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और पेप्टाइड्स इसमें ऐड किए हैं जो बहुत ही नरिशिंग और यू नो हाइड्रेटिंग इफेक्ट देते हैं स्किन को। एंड यस, प्रोडक्ट इज डर्माटोटेस्टेड। आप जान लेते हैं इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। क्लीन फेस पे टोनर अप्लाई कर लेने के बाद आपको इसको 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है डे टाइम पे। एक्चुअल सवाल आता है कि इस प्रोडक्ट को यूज कौन कौन कर सकता है, तो 16+ है आप तो इसे कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी जेंडर का इसे यूज कर सकता है। मेक श्योर आप 16+ हो। अपने एक्सपीरियंस की बताऊं तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला काफी नॉन स्टिकी है। 2-3 ड्रॉप्स जो है आपको बहुत ही इनफ है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। एंड यस, बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। 2% सैलिसिलिक एसिड है, बिगिनर्स के लिए तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। एंड यस, मैंने इसको स्टार्टिंग में 3-4 डेज रेगुलर यूज कर लिया था एंड 4th डे पे मुझे ना टोनर अप्लाई करते ही अचानक से बर्निंग सेंसेशन आने लगा, तो मैं ये समझ गई थी कि शायद ओवर एक्सफोलिएशन कर लिया मैंने, शायद इस वजह से होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने 3-4 डेज के लिए ब्रेक लिया एंड माय स्किन वाज बैक टू नॉर्मल, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मैंने इस प्रोडक्ट को काफी अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा बस 2% है और मैं काफी वक्त से प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ तो मुझे डेली यूजेज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यस, आई वॉज रॉन्ग, बट या अब मैं इसे थ्राइस अ वीक यूज करती हूँ और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है एंड बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है मेरे लिए। इंडीड अ ग्रेट प्रोडक्ट। अब फटाफट से जान लेते हैं इस अमेजिंग प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिसको कि मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है स्टार इंग्रेडिएंट्स की, जो कि है इसके पीलिंग सॉल्यूशन। इसमें 2 पीलिंग एसिड्स ऐड किए गए हैं, सैलिसिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है पेप्टाइड की। प्रोडक्ट कंटेन ओलिगो पेप्टाइड 10, जो कि एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट है। ये स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड है जो कि आपकी स्किन पे एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है और आपकी जो एक्ने है उन्हें होने से रोकता है। थर्ड कैटेगरी में आता है प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट में इकलौता प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जो कि है मारुबियम वल्गेर एक्सट्रैक्ट। ये एक तरह की फ्लावरिंग मिंट होती है जिसके एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन को यू नो आउटर स्ट्रेस से रिलीफ देता है एंड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह का प्रोटेक्टिंग एजेंट इसको कंसीडर करते हैं। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कंडीशनिंग एजेंट। प्रोडक्ट की कंडीशनिंग एजेंट्स की लिस्ट बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्ट में स्किन कंडीशनर्स की तरह यूज किए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है एंड प्रोडक्ट की इस लिस्ट में अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और भी एक्टिव कंपाउंड्स ऐड किए गए हैं जो बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन, सूदिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट, स्किन रिवाइटलाइजर और यू नो रिपेयरिंग जैसी चीजों का काम करते हैं। फिफ्थ कैटेगरी है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जिसमें कि 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से एक फिनोलिक कंपाउंड है, दूसरा है नेचुरल पॉलीमर, और ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, स्किन से फ्री रेडिकल्स जो है उनको रिमूव करते हुए स्किन को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। सिक्स कैटेगरी में आते हैं हमारे सॉल्वेंट्स, जिसमें कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड 2 सॉल्वेंट्स के आगे मैंने लिखा है कैरियर्स। तो कैरियर्स का यहाँ पे मतलब है कि ये 2 सॉल्वेंट्स सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का काम नहीं करते, ये कैरियर एजेंट का भी काम करते हैं। जो प्रोडक्ट में अवेलेबल गुडी गुड इंग्रेडिएंट जैसे पीलिंग एसिड्स हो गए या फिर पेप्टाइड्स हो गए या मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हो गए, उनको स्किन में अच्छे से सीप करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट दिलवाने में भी हेल्प करता है। 7th कैटेगरी में आते हैं बेस इंग्रेडिएंट्स और उनका पर्पस मैंने आगे मेंशन कर रखा है। 5 इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत अच्छी सिलेक्शन है। लास्ट एंड 8th कैटेगरी आती है प्रिजर्वेटिव्स की, जिसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड वेल नोन इंग्रेडिएंट्स हैं। दीज आर गुड, लाइक नॉट वेरी बेस्ट
नॉट एवरेज बट गुड. लेट्स कम टू द ओवरव्यू. तो प्रोडक्ट में बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं. मोस्टली सारे सिंथेटिक ही हैं, बट अगर नेचुरल भी डाले गए हैं तो उन्हें अच्छे से प्रोसेस करके डाला गया है. और यस, प्रोडक्ट इज नॉन टॉक्सिन, नॉन कार्सिनोजन. प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो काफ़ी अच्छा है. बट यस, अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो मेक श्योर प्रोडक्ट को यूज़ करना अवॉइड करें. एंड यस, प्रोडक्ट जो है वो मोर देन 80% बायोडिग्रेडेबल है. अब बात कर लेते हैं उन प्रिकॉशंस की जो आपको इसे यूज़ करते हुए ध्यान में रखनी है. सो प्रोडक्ट जो है आप AM PM किसी भी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसे एक ही रूटीन में फॉलो करें, दिन में दो बार अप्लाई बिल्कुल भी ना करें. उसके अलावा आपको प्रोडक्ट धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप इसे अप्लाई करके मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें. एंड यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसको अप्लाई करके आप हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा प्रोडक्ट कभी भी किसी रेटिनॉइड प्रोडक्ट के साथ यूज़ नहीं करना है. कोई भी पीलिंग सोल्यूशन रेटिनॉइड के साथ नहीं यूज़ होता, और कोई भी रेटिनॉइड प्रोडक्ट किसी भी पीलिंग सोल्यूशन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वेयर सनस्क्रीन. कोई सा भी एक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ करना मिस ना करें. चाहे आप डे टाइम पे यूज़ करते हैं, चाहे नाइट टाइम पे, सनस्क्रीन आपका बेस्ट फ्रेंड है. तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स एक प्रोडक्ट के मिल सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाते हैं. प्रोडक्ट को फेस पे डैबिंग मोशन में लगाना है, कभी भी आपको इसे अपने फेस पर रब नहीं करना है. बिगिनर्स अगर इसे यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर आप इसे वंस अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करें, एंड उससे ज़्यादा यूज़ ना करें. और अगर आप रेगुलर हैं सैलिसिलिक एसिड या पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करने वाले, तो आप थ्राइस अ वीक कर सकते हैं. इसके 2% की स्ट्रेंथ पे बिल्कुल मत जाइएगा. दिस बेबी इज टू पोटेंट कि आप अगर हैप्चुअल भी हैं तो भी आपको ये ओवर एक्सफोलिएशन जैसे रिजल्ट्स दे सकती है. तो थ्राइस अ वीक से ज़्यादा यूज ना करें. प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर ले लें, और अप्लाई करने के बाद किसी भी तरह की एक्सट्रीम या अनबेरेबल बर्निंग या इचिंग सेंसेशन जैसी कुछ आती है तो इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को आप वॉश ऑफ कर दें. लगे हाथ प्रोडक्ट का pH भी चेक कर लेते हैं, जो कि काफ़ी क्लोज है स्किन के pH के. प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपको सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन देता है, रिड्यूस करता है एक्ने और ब्लैक हेड्स को, एंड थर्ड में ये ऑयल रिड्यूस करता है एंड आपके पोर्स को एक क्लीन लुक देता है. तो आई वुड से कि ये तीनों काम बहुत ही अच्छे से करता है. बट मेक श्योर इसे यूज़ करते हुए आप सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अदरवाइज ये आपको नुकसान भी कर सकती है. रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो यस, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए. परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. आपको जहां पर भी अच्छी सूटेबल प्राइस में अवेलेबल हो, आप इस प्रोडक्ट को खरीद के वहां से ट्राई कर सकते हैं. एंड यस, एक बार दोबारा से सारी वीडियो देख लेना. मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, कैसे यूज करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले. दिस वॉज द वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और रहा है तो जो करना होगा कर देना, मतलब आपकी मर्जी है. करोगे तो इंटरेक्ट कर दोगे, नहीं करना होगा तो नहीं करोगे. दैट्स टोटली अप टू यू. और अब से मैंने बोलना भी नहीं है. And yeah, I'll catch you guys in my next video. Till then, take care. Bye-bye. And thank you so much for watching.